नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्थानीय न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के परिवहन मंत्री अनिल परब के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ही ईडी के द्वारा अनिल परब के ऊपर कार्रवाई की गई थी और उनको जो है समन किया गया था और आज जो है हाजिर होने के लिए बोला गया था, वो भी ईडी ऑफिस में। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है उसमें बोल दिया गया है कि अनिल परब जो है आज ईडी ऑफिस में नहीं हाजिर होंगे, वो एक लेटर लिख के देंगे। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक और अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि परब के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई की गई है बीजेपी नेता क्रिस सौम्या के द्वारा। कुछ टाइम पहले एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जहां पर बताया गया था कि परिवहन विभाग में प्रमोशन को लेकर, यानी कि जितने भी प्रमोशन किए जाते हैं उसमें वसूली करके कुछ पैसों को डिमांड की जाती है और उस पैसों को लेकर किसी का भी प्रमोशन किसी भी अपने हिसाब से कर दिया जाता है। और यह जो आरोप लगाया गया था यह अनिल परब के ऊपर लगाया गया था और यह क्रिस सौम्या के द्वारा लगाया गया था। इसको लेकर क्रिस सौम्या के द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अंडर में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और उनसे बोला गया था कि इसको लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब राज्यपाल ने आदेश दे दिया है लोकायुक्त को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें अब जो है अनिल परब के खिलाफ में एक और केस दर्ज हो चुका है, एक और केस जो है ओपन हो चुका है और उनके खिलाफ में ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो केस है ये भी ओपन हो चुका है और इसमें भी अब छानबीन की जाएगी। तो अनिल परब जो है वन बाय वन करके पूरी तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। पहले तो अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई की गई थी ईडी और सीबीआई के द्वारा और अब जो है अनिल परब के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अनिल परब के ऊपर जिस हिसाब से अभी कार्रवाई चल रही है इस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना बदला लिया जा रहा है अनिल परब से, क्योंकि अनिल परब ने नारायण राणे को गिरफ्तार करवाया था। तो आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।